हेलो एवरीवन, अब जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टॉपिक शुरू करने से पहले आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लो, क्योंकि ये इसके अंदर यूज होगा काफी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेसिकली आपको हाइपोटेन्यूस पता होनी चाहिए कि आपको पता 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस होता है, ठीक है। इसके अलावा एक मिस्टेक है जो आप क्वेश्चंस पे जब आओगे ना तब करोगे, उस मिस्टेक को भी पहचान लो सही तरीके से। क्या है मिस्टेक? जब आप स्क्वायर को उससे लेके जाओगे रूट में तो वो इस तरीके से आएगा, जहां तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग इसमें रूट को बाहर निकाल देते हो। ये रूट बाहर निकालना ये गलत है पूरा, ठीक है। अब क्या गलत है क्या सही है वो भी देख लो अच्छे से। अगर आप ये सोचते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो और उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल लें, तो मैं बता दूं आप गलत हो, बिल्कुल गलत हो। इसको जितनी जल्दी सही हो सके सुधार लो इसको, ठीक है। करना क्या होता है ये भी समझ लो। अंडर रूट ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर अगर होता है तो उसको हम लोग ए प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको चलेगा कि मिस्टेक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, आते हैं सीधा। अच्छा, टॉपिक पे आने से पहले एक चीज सुन लो, इसके यूजेस, ठीक है। इसके यूज आप जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कोई भी टीचर आपको तब एक्सप्लेन करेगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको दो जगह बता दूं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सिविल इंजीनियर्स इसका बहुत यूज करते हैं, और इसके अलावा डिफेंस में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। डिस्टेंस चेक करने के लिए कौन से एंगल में हम लोग कोई भी चीज थ्रो करेंगे, तो इन सब चीजों में इसका यूज होता है। लेकिन इसको फील अगर करना है सही में, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में ये चीज अगर कोई टीचर एक्सप्लेन करे या मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो ही बोलते हैं। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये जो चैप्टर है वो आरएस अग्रवाल का है, क्लास 10 का है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है, रेशियो पे डिपेंडेंट टॉपिक है पूरा का पूरा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग एलिब्रेट करें, एक्सप्लेन करें इस वर्ड को, टर्म को, तो आप इसके वर्ड की मीनिंग क्लियर कर पाओगे। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ट्राई जिसका मतलब थ्री, गॉन जिसका मतलब साइड, ओ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओ बेसिकली वर्ड बनाने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए यूज है यहाँ पे। इसके अलावा मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो इस पूरे वर्ड का मतलब क्या हुआ? बेसिकली तीन साइड के मेजरमेंट का रेशियो, ठीक है। तीन साइड के मेजरमेंट का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जो भी आप टॉपिक में पढ़ोगे। अच्छा, तीन साइड कौन सी है? तो तीन साइड होती है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और हम लोग के जो कोर्स में है 10th क्लास में, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है, ठीक है। तो उसी के बेसिस से पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म स्टार्टिंग के, बाकी के तीन को बहुत अच्छी तरीके सुनना, ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं से रिलेट होकर के आएंगे और वो हर बार आपको यूज होते हुए मिलेंगे और बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे भी। साइन का उल्टा और अपोजिट बोल सकते हो कॉसेक होता है, ठीक है। साइन का अपोजिट कॉसेक, याद रखना। मैं अभी पूछूंगा तो थोड़ी देर पॉज करूंगा, रुकूंगा थोड़ा सा, तो अपने मन में सोचना क्या है। कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, टैन का अपोजिट कॉट थीटा, ठीक है। फिर से क्लियर करता हूं, जो साइन है उसका अपोजिट कॉसेक, कॉस है उसका अपोजिट सेक, टैन है उसका अपोजिट कॉट। ये सब के सब एक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। वो रेशियो मैं आपको बताता हूं क्या क्या है, ध्यान सुनो, नहीं भी सुनोगे तो आगे ये चीज बताएंगे उससे याद हो जाएगा। ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक इसका अपोजिट था साइन का, तो अगर इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो इसका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही ये कॉस का अपोजिट है तो इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट टेन का अपोजिट है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो ये जनरली इस तरीके से याद होते भी नहीं और किए भी नहीं जाते। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक, एक स्लोगन याद रखते हैं, वो क्या है, वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये स्लोगन याद रखना है। इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्दी प्रसाद हर हर बोले, लेकिन फर्स्ट वन इज बेटर, ज्यादा अच्छा है कि इजी इजी टू लर्न है, आराम से याद हो जाता है। तो इससे हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम लोग फर्स्ट वैल्यू को नीचे की ओर चले तो हम लोग को मिलेगा साइन थीटा, ठीक है, चलो ऊपर से नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में कॉस के लिए भी ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे सेकेंड वाले से, तो कॉस थीटा मिलेगा जो कि क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसका अगला टेन थीटा ऊपर से नीचे चलने में, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताओ कॉस एक किसका अपोजिट होता है, कॉस एक अपोजिट होता है साइन का, ठीक है, तो कॉस किसका अपोजिट होगा या सेक किसका अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के ही अपोजिट है, चाहे हम बोले साइन का अपोजिट कॉस एक होता है, चाहे बोले कॉस का अपोजिट साइन होता है, बात तो सेम, ठीक है ना, बेसिकली ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और कॉट टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट होगा, तो सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये माइंड में रखना है आपको। देखो अगर ये साइन का अपोजिट है तो सुनना बहुत ध्यान से, हम लोग अगर नीचे की ओर चलते हैं साइन मिलता है तो ऑब्वियसली ऊपर की ओर अगर अपोजिट टास्क करेंगे, अपोजिट वर्क करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट टर्म आएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर लिख लो, कॉसेक लिख लो थीटा हटा दोगे। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉस, अगर ऊपर से नीचे और आने पे हम लोग कॉस मिल रहा है तो उल्टा चलने पे अपोजिट होने पे क्या मिलेगा, सेक मिलेगा, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू होगी बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, समझ रहे हो ना, कॉसेक के लिए नीचे से ऊपर क्यों चल रहे हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के लिए भी नीचे के ऊपर से ऊपर क्यों चलेंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंड लास्ट वन कॉट, कॉट किसका अपोजिट होगा, ऑब्वियसली टेन का, टेन का अपोजिट कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल। देखो अभी तक ये पढ़ा दिया था मैंने आपको कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होता है, पहले से आता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, अगर ये साइन थीटा ऊपर से चलेगा तो कॉसेक थीटा नीचे से, क्यों, क्योंकि साइन और कॉसेक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन अगर नीचे की ओर चल रहा है, नीचे से नीचे जाने पर वैल्यू आ रही है, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, ऊपर की ओर आएगी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक की वैल्यू, और साइन की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही सेम टू सेम कॉस की वैल्यू भी क्या होगी, नीचे जाने से अगर आ रही है तो सेक की वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर जाने से आएगी, ठीक है, सेक की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गया ना, जो जिसका अपोजिट है, तो अगर एक टर्म नीचे की ओर जा रहा है तो उसका अपोजिट कैसे आएगा, ऊपर की ओर चलने से आएगा, ठीक है, इसको रफ कर लें और क्वेश्चन पे आते सीधा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड अदर टी रेशियोज। देखो यहां पे जो गिवन है सॉल्यूशन, जो स्टार्ट करेंगे वो सीधा गिवन से स्टार्ट करेंगे, वो है साइन थीटा। अब देखो करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले ये काम करना है कि किसी भी तरीके से सबसे पहले साइन को हटाना है। उसका रीजन क्या है, अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास नहीं पढ़ा है, अभी तक हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नाम पढ़े, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा है नाम के अलावा, तो साइन को रख के तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, जितनी जल्दी जल्दी हो सके साइन को चेंज करो, ठीक है, इमीडिएटली, मतलब इसको करना ही है। तो इसको चेंज करने के लिए एक ही नाम पढ़ रहा है, वो क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आपको पता है पहली वैल्यू किसकी होती है, साइन की, ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो इसके आगे जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं उसमें पक्की बात है
कि एक मैं छोटी सी मिस्टेक करूंगा, ठीक है, वो अगले क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगी। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से, बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएंगी चीजें, अदरवाइज थोड़ी टफ पड़ेंगी, ठीक है। तो वो मैं अगले क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। अभी इस क्वेश्चन को ऐसे मुझे बता रहे हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेनस की भी कितनी है 5। अच्छा, परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेनस पता, क्या नहीं पता, बेस। तो बेस कैसे निकालोगे, बेस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, बताया था ना स्टार्टिंग में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बस यही लगाना। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह 5 लिख लेना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो जाएगी, और बेस हमें पता नहीं है तो कुछ तो अननोन होना चाहिए, तो ये तो उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 25 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे बेस स्क्वायर हो गया, बेस स्क्वायर यही रहेगा, 9 उससे हट जाएगा, 25 माइनस 9 ये 16 बचेगा, ये बेस स्क्वायर है। तो बेस इज इक्वल टू स्क्वायर, जब रूट में जाएगा स्क्वायर, जब उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 16 हो गया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो अब अगर आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, बेस पता चल गया, तो आपको दुनिया कोई ताकत नहीं रख सकती बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा क्या कॉसेक, और कॉस का उल्टा निकालेंगे सेक, फिर टेन का उल्टा कॉट, ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला तो बना ही लोगे, सेकेंड वाला कौन सा है, कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन, थर्ड वाला टेन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेक्स्ट कॉट, साइन अगर ऊपर चलने से आता है तो कॉट, सॉरी कॉसेक, कॉसेक कहां से आएगा, नीचे से ऊपर क्यों आएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक, सेक कॉस का अपोजिट, नीचे से ऊपर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट भी कहां से, नीचे से ऊपर ही कैलकुलेट होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बस इसके आगे तो कोई दिक्कत है नहीं, सर्च करनी है और वैल्यू पुट करनी है, सबसे आसान चीज, सर्च करो और पुट करो। सर्च करते हैं, बेस 4, हाइपोटेनस देखो कहां है 5, परपेंडिकुलर कहां पे 3, तीन ही चीजों में सर्च करना है, कोई खास नहीं है, 4 हाइपोटेनस 5 परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस अगेन 5 बेस, नीचे से देखो कितना 4 बेस 4 परपेंडिकुलर कहां है ये 3, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 10। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि रूट 10 के अकॉर्डिंग में 1 कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हटाना है, जितनी जल्दी जल्दी हो सके इसको हटाओ। क्यों, इसके बारे में आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत लिमिटेड चीजें पता है आपको, सिर्फ पता है कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट होते, बस नाम सुना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं पता। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको हटाओगे। इसको हटाने के लिए भाई पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये स्लोगन याद रखो। तो पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा होता है टेन, और साइन अगर ऊपर से ही चलता है तो उसका उल्टा नीचे से ऊपर कौन चलेगा, कॉसेक, और फिर सेक, और उसके बाद कॉट। तो यहां पे तो कॉसेक दिया ना, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन पी होगी, तो कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख लोगे, एच अपॉन पी लिख लोगे, रूट टेन अपॉन में 1। तो अगर आप देखोगे तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट टेन आएगी, और p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी जब कंपेयर करोगे, ठीक है। तो अगर आपको हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन बेस नहीं पता, तो आपको पता क्या करना, यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना बेस को, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज रूट 10 होल ऑफ स्क्वायर,
परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर लिख लो, और लास्ट में जो बचेगा वो आएगा बेस, जो कि अभी पता नहीं है। रूट 10 का स्क्वायर 10 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर को इधर रहने दो, 1 को इस साइड लेके जाओगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 9, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 3। अब परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, इसके बाद अगर आपको बाकी के टी रेशियोज निकालने हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो, अगर यहां पे लिखा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने से कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है क्या करना है, आपको आपको यहां पे साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, टेन थीटा लिखना है, कॉसेक थीटा लिखना है, सेक थीटा लिखना है, कॉट थीटा लिखना है, और सबके फॉर्मूले लिखना है। फॉर्मूले कैसे लिखोगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू ढूंढो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, हाइपोटेनस इज रूट 10। नेक्स्ट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऊपर से नीचे चलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है रूट 10। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू ढूंढो कितनी आएगी 1, बेस की वैल्यू क्या निकलेगी 3। कॉसेक थीटा क्या होगा नीचे से ऊपर, अच्छा कॉसेक थीटा तो निकाल ही चुके हो तो इसको क्या करो निकाल के, सेक थीटा निकालते हैं, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी एच अपॉन बी, एच की वैल्यू कितनी है रूट 10 और बेस कितना आया था 3। लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 3 आई थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 1। देखो मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि मैंने कुछ इसमें हल्का फुल्का गलत बताया आपको, गलत एक्सप्लेनेशन दिया हल्का फुल्का, उसको मैं सेकंड क्वेश्चन में सही करूंगा, तो ये सेकंड क्वेश्चन है इसे मैं सही करने जा रहा हूं, सुनो बहुत ध्यान से। हाइपोटेनस की वजह से मैंने डायरेक्टली वैल्यू रूट 10 ले लिया है तो इसको डायरेक्टली रूट 10 नहीं ले सकते, इसके साथ में आपको एक्स लेना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आप इसको इसके इक्वल नहीं बोल सकते हो, ये रेशियो में है। रेशियो में कैसे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, अगर सपोज करो कि मैं आपको एक बड़ प्रॉब्लम दूं, उसमें बोलूं द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन आवर स्कूल इज 3:4, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो एक स्कूल में कितना है 3:4 है, तो क्या नंबर ऑफ गर्ल्स 3 हो जाती है, नहीं ना, क्या होती है 3x होगी ना, x को लेट करोगे, कुछ लेट करोगे साथ में, और बॉयज भी कितने होते हैं 4x करोगे। तो यही स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में गलती थी, क्योंकि मैंने जानबूझ के की थी, आप लोगों को पहले से बता दिया था, तो उसको सही कर रहे हैं। तो यहां पे परपेंडिकुलर को 1 नहीं लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे x भी लिखेंगे, बस हमें x लगाते चलना है, बाकी इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस जहां पे आपको x लिखना था वहां पे x लिखना है, यहां x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, यहां भी x क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 10x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर में x स्क्वायर को माइनस करोगे तो 9 ही आएगा, क्या आएगा 9x स्क्वायर होगा, रूट में भी क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, बाहर भी जो आएगा वो क्या आएगा x आएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू आप पुट करोगे वो 1 नहीं पुट करोगे, 1 के साथ x भी पुट करोगे, हर जगह x आएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ आएगा, फिर रूट 10 के साथ भी क्या है x है सबके साथ, अच्छा ये रूट में 10 है x रूट में नहीं है, ठीक है बाहर है रूट से वो। अब इन सारे x को जब कैंसिल कर दोगे फाइनली तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो आपको सही देनी ही पड़ेगी, तो इसलिए उसमें आपको x को लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इस थर्ड क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताना चाहता हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखो, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा अगर हम बोले कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक थीटा मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि वो साइन का अपोजिट होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin θ, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, तो 1/cos θ। इसके बाद टेन थीटा एक फॉर्मूला और है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा sin θ / cos θ, ये भी एक फॉर्मूला है याद रखना, अच्छा फॉर्मूला है।
नेक्स्ट अगर बोले cot थीटा tan का अपोजिट होता है, तो cot जो होगी वैल्यू वो tan का क्या होगी, अपोजिट आएगी 1/tan, ठीक है। अच्छा इन फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ sec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब sec थीटा sin का अपोजिट होता है, तो sin भी तो sec का अपोजिट, cosec का अपोजिट होता है, ये तो मैंने पहले से आपको बता दिया था कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर ये बात ट्रू है कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/ cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो ये भी ट्रू होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/ cosec थीटा, ठीक है, दोनों में से कुछ हो सकता है। और कुछ समझदार बच्चे ये भी बोलते हैं कि sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लो, इसमें भी यही है कि क्या कहते हैं sec थीटा 1/ cos थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर मैं बोलूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/ sec थीटा, तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। sec थीटा अगर 1/ cos थीटा होगा, तो cos थीटा भी क्या होगा 1/ sec थीटा। और कुछ बच्चे क्या और क्या बोल सकते हैं, cos थीटा into sec थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी आप यहां भी बोल सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1/ cot थीटा, क्योंकि cos और tan आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो cot tan थीटा इज इक्वल टू 1/ cot थीटा होगा। और बोलने को तो आप ये भी कह सकते हो tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अगर tan थीटा sin थीटा / cos थीटा होता है, तो एक फॉर्मूला और है, cot थीटा क्या होगा cos थीटा sin थीटा होगा। जैसा कि आपको पता है tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अगर ये sin / cos है, तो वो क्या होगा अपोजिट होगा, sin / cos तो अपोजिट क्या होगा cos / sin, पहले नीचे वाला आएगा फिर बाद में ऊपर वाला आएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको भी याद कर लो। मैं देखो एक साथ फॉर्मूले आपको नहीं दूंगा, धीरे धीरे करके हम लोग फॉर्मूले में बढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को इजी टू लर्न हो जाए, माइंड में बैठ जाए अच्छी तरीके से, उस तरीके से, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 3 tan थीटा - 4 = 0। तो ये कुछ बच्चों को दिया जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, अटकते हैं, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको देखो कैसे करना है, 3 tan थीटा = tan थीटा 4 को धरने के जाओगे तो प्लस का 4 होगा, tan थीटा = 4/3 हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अब आपको फिर से वही बात बताया कि जितनी जल्दी हो सके tan को हटाओ, as soon as possible you have to remove the tan, tan को हटाना है जितनी जल्दी हो सके। और कैसे हटाओगे, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, और tan कहां बनता है, ये साइड में, ये कॉन्ट वाला क्या होता है tan थीटा होता है। tan थीटा की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, p/b, कंपेयर करो, p की वैल्यू कितनी होगी 4, नहीं 4x, b की वैल्यू क्या होगी 3, साथ में x भी लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारे दो वैल्यू आ गई। अब एक चीज मिसिंग है, वो है हाइपोटेन्यूस, और वो कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, परपेंडिकुलर हम लोग को पता है कितनी है 4x, और उसका स्क्वायर करना है, बेस हम लोग को पता है 3x, उसका भी स्क्वायर करना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 25x स्क्वायर, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में चला जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर होता है और वो x का, भाई पहला वाला 5 का स्क्वायर है, दूसरा वाला x स्क्वायर लिखा ही हुआ है, दोनों के स्क्वायर कॉमन करके होल ऑफ स्क्वायर कर लो, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है ना। ये 5 का स्क्वायर है 25, और ये x का स्क्वायर लिखा है, दोनों के स्क्वायर कॉमन करोगे तो बाहर आ जाएगा, और ये रूट से बाहर आएगा तो 5x हो जाएगा। अब आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, और आपको हाइपोटेन्यूस भी इवन पता है। और फिर से वही बात, अगर आपको ये तीन चीजें पता है, तो आपको रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने से पूरी दुनिया भी नहीं रोक सकती, आराम से निकाल लोगे, बस ये स्लोगन पता हो तो। तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा और फिर कॉस थीटा, टेन थीटा ऑलरेडी निकला हुआ है, उसके बाद कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कहां है ये 4x, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5x,
कैंसिल कर लो, वैल्यू कितनी आएगी 4/5। ठीक है, कॉस थीटा कहाँ है, कॉस सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कहाँ पे है, बेस है 3x, बस ढूंढना है और कुछ नहीं है। हाइपोटेन्यूस 5x, 3/5। ठीक है, अब आप कॉस थीटा चाहो तो यहां से निकाल लो, वैल्यू पुट कर लो तो भी आ जाएगा। एक और तरीका है, आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब क्या, अगर ये 4/5 है तो उल्टा करो कितना आएगा भाई, इसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो कितना आएगा 5/4। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का। इधर से भी निकाल सकते हो, sec थीटा का फॉर्मूला लिखो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप डायरेक्टली पता आपको sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos का। अगर cos की जो 3/5 है तो उल्टा क्या होगा 5/3। लास्ट में cot थीटा, cot थीटा किसका अपोजिट होता है, tan का। भाई tan की वैल्यू अगर 4/3 है तो उल्टा करो कितना आएगा 3/4। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे आंसर, एक फॉर्मूला लर्न कर लेना।